नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी मुद्दे अब बार आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए जिस आंदोलन से शिवराज सरकार को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी, किसान आंदोलन नीमच मंसूर का सबसे बड़ा आंदोलन था। एक बार फिर ये विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घेराबंदी करते हुए 6 जून को मंसूर दौरा तय किया है और यहाँ पर वे जो किसान आंदोलन में जो इनके परिवार में मौत हुई थी उनके यहाँ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। ऐसे में अगर बात किया इस दौरे को लेकर मंसूर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हमारे से बातचीत में कहा है कि जिन्होंने किसान आंदोलन में हत्या की थी वे अब खुद यहाँ आ रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नेता खुद इस बात को कह रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने श्यामलाल जोगचंद और कमलेश पाटीदार ने इस बात को स्वीकारा और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन हमने कराया था। जिस तरीके से बात कही उसके बाद अब इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा का भी पलटवार आया। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से मंसूर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के इस बयान पर उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की, हम ये आपको सुनाते हैं। हमने जब उनसे दोनों ही नेताओं से फोन पर चर्चा की तो किस तरीके से एक दूसरे नेताओं ने एक दूसरे पर वार किए। जिन्होंने किसानों की हत्या करी है वो हत्यारे आ रहे हैं 6 तारीख को, ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार जोगचंद ने और कमलेश पाटीदार पटेल ने पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत जी के सामने इस बात को स्वीकार किया बड़ी दम के साथ कि किसान आंदोलन तो हमने करवाया था। अब जिन्होंने किसान आंदोलन करवाया है वही बरसी के नाम पर एकत्रित हो रहे हैं और ये शर्म भी नहीं है कि जिन कांग्रेस के लोगों ने किसान आंदोलन कराया है वो 6 बरस के लंबे अंतराल के बाद फिर किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी से पूछेंगे, आप जब 15 महीने की सरकार में था तब 6 जून नहीं आई थी क्या, आप और आपका मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों नहीं आया करके और क्यों नहीं मरहम पट्टी लगी और क्यों नहीं आपने संवेदना करी, क्योंकि आप इन्वॉल्व थे। सरकार दोषी थी और सरकार इसलिए दोषी थी, कमलनाथ जी के सरकार के समय में सरकार इसलिए नहीं आ पा रही थी कि विपक्षी भूमिका में इस आंदोलन को भड़काने का काम ही कमलनाथ जी की पार्टी के लोगों ने किया। और हम नहीं कह रहे, जोगचंद ने स्वीकार किया है, कमलेश ने स्वीकार किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में स्वीकार किया है। और हम फिर पूछना चाहेंगे कि 6 बरस के लंबे अंतराल के बाद आज आपको किसानों की क्यों याद आई, बरसी के नाम पर आप आ रहे हो तो आपने शहीद का दर्जा 15 महीने में क्यों नहीं दिया। शिवराज सिंह जी चौहान ने तो मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और 1 नौकरी दी है और आप इस 6 जून को आप आ रहे हैं तो जब आप मुख्यमंत्री थे तब उस 6 जून को क्यों नहीं आए, जब आपके टेन्योर में 6 जून आकर के चला गया। आप कहाँ चूक गए थे कमलनाथ जी, कहाँ चूक गई थी कांग्रेस, आग में घी डालने का काम तो कांग्रेस ने किया, किसानों को कालकल्पित करने का घोर पाप किया और आज बरसी के नाम पर आकर के फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। सवाल का जवाब कांग्रेस से लिया जाना चाहिए। एक कांग्रेस से एक बड़ा आरोप यह भी है कि हमने तो कर्ज माफी करी थी और हमारी सरकार जो विधायक खरीद के गिरा दिए और साथ उनका कहना है कि हमारे को ही देख के जो एक ब्याज माफी सरकार ला रही है, किसानों को लुभाने का काम कर रही है, लेकिन किसान जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का धोखा किया है, क्या कहेंगे ये लगे? तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और पापों को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तुमने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का वादा किया था तो हमने तो अभी जो ब्याज माफी करी है और ब्याज माफी में जो सूची बन करके आ रही है उसमें 15,000, 7,000, 8,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख के अंदर के भी कर्ज माफ नहीं हुए। हमने 11,19,000 रुपए की राशि का ब्याज मुक्त किया भी किसानों को। इस पे क्या कहना है, क्या वो ये मानते हैं कि श्यामलाल जोगचंद इतने बड़े व्यक्ति हो गए कि वो पुलिस को निर्देश दें कि आप गोली चलाइए और पुलिस गोली चला दे? अब ये तो फिर उनने जांच कराई थी, जब सरकार ने जांच कराई और सरकार आज तक वो विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए तो गलती तो वो अपनी गलतियों को क्यों छिपा रहे हैं? अगर उनकी जांच रिपोर्ट में श्री श्यामलाल जोगचंद के ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ हो तो बता दें, वरना उनकी सरकार बैठी है पूरे 5 साल हो गए अभी तक तो उनने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो फिर वो श्यामलाल जी की किसी बात को लेके जिसकी कोई विश्वसनीयता कितनी हो सकती कि उनने क्या कहा था, क्या मीडिया में आया है, जब तक तो ये बात पता नहीं हो उसको आधार बना के वो, ये मुझे तो खुशी है कि हमारे किसी नेता को इतना बड़ा व्यक्ति मानते हैं और एक दलित नेता को इतना बड़ा व्यक्ति मानते हैं कि उसके निर्देश पर पुलिस गोली चला दे, पर अपनी गलतियों को छिपाने की ये कोशिश है। उनको आखिर उससे इनकार नहीं कर सकते कि 6 लोग मरे थे,
आखिर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री जी ने उनको चुनाव के डर के चलते इतना कॉम्पनसेशन दिया था जैसा उनने पहले या बाद में कभी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती एहसास है, अपनी गलती को छिपाने के लिए वो किसी कांग्रेस के एक नेता पर आरोप लगाए, तो उनकी सरकार फिर 5 साल से क्या करती रही? वो एक्शन लेते अगर यदि तो उनको लगता है कि उनकी वजह से कांड हुआ तो उन्हें तो कोई एक्शन लिया नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि केवल राजनीति करने की बात है। हर राजनेता को अधिकार है, कमलनाथ जी को भी अधिकार है कि वो प्रदेश में घूमे, और अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो राजनीति को एक तरफ रखते हुए मुझे लगता है विधायक जी को उनका भी सम्मान करना चाहिए। एक बड़ा आरोप विधायक जी का ये भी है कि हमने किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने धोखा किया, कर्ज माफी लेके आई थी, हम ब्याज माफी लेके आए, लेकिन जो कर्ज माफी लेके आई थी किन्हीं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। अब ये वो कहें लेकिन सच्चाई तो किसान ही बोलेगा। और यदि ये 15 महीनों में खरीद फरोख्त करके उनने सरकार नहीं गिराई होती, वो केवल कर्ज माफी की बात करें। हमने कर्ज माफी की घोषणा करी थी चुनाव के पहले और हमने वो सिलसिला शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो तो अभी कर्ज माफी पर अटके हुए हैं। वो इसका जवाब दें कि आखिर जब उस वक्त बारिश आई और रामपुरा क्षेत्र में, मनासा क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, सुमाथड़ा क्षेत्र में जब इतनी किसानों का नुकसान हुआ, तो कमलनाथ जी वो नेता थे जिनने आदेश दिया कि बगैर किसी सर्वे के और उनको किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, और मुआवजा मिला, कर्ज माफी भी हुई, मुआवजा भी मिला और बीमा की राशि भी मिली। अब आज ब्याज माफी उनको चुनाव से 4 महीने पहले याद आ रही है। खुद उनने मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी जब सरकार बदली थी कि उस कर्ज माफी को हम चालू रखेंगे, वो तो उन्होंने नहीं किया। किसानों को डिफॉल्टर बना दिया जो सरकार ने, जितना कमलनाथ जी की सरकार ने जो उनकी कर्ज माफी की थी, उनको प्रमाण पत्र दिए थे, सारा बोझ अपने ऊपर लिया था उनका कर्ज चुकाने का, वो सब भूल गए। और अब आज जब चुनाव आ रहे हैं तब रोज मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाओं की सरकार है और घोषणाओं के नेता है। दूसरों पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले वो अपना कार्यकाल खुद देखें। और अब चुनाव के दिनों में इस तरह की घोषणाओं का जनता भी समझ रही है कि कोई महत्व नहीं है। वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप वॉइस ऑफ एमपी। साथ ही हमारी खबरें voiceofmp.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ई पेपर और खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 6267140452 पर। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो संपर्क करें 7693028052 पर, 9753453732 पर।